बारिश में गरीब बहू के घर अमीर सहेली की दावत। आरती, ये क्या, तुम्हारी ये फ्रॉक तो फट गई है, और आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें इतना भी याद नहीं? अरे तनुजा, तुम तो जानती हो ना मेरे माता पिता कितने गरीब हैं। मेरे पास एक यही फ्रॉक थी जो थोड़ी अच्छी है, लेकिन अब देखो ये भी फट गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई नई ड्रेस नहीं है तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी कोई ड्रेस दे देती हूँ, उसे पहन लेना, उसके बाद हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे। तनुजा और आरती दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। तनुजा और आरती के बीच कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं आई थी, जिसके चलते वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तनुजा अपनी एक सुंदर सी फ्रॉक आरती को दे देती है, जिसे पहनने के बाद आरती बहुत प्यारी लगती है। तनुजा अपने फोन में अपने बर्थडे वाले दिन आरती और अपनी फोटो निकाल रही होती है, तभी वहाँ पर तनुजा की कुछ अमीर सहेलियाँ आ जाती हैं। ओह माय गॉड, ये देखो जरा, ये फटीचर अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? अमीर कहाँ, ये तो वही ड्रेस है ना जो लास्ट नाइट की पार्टी में तनुजा ने पहन रखी थी। खैर, इन गरीबों को हमारी उतरन ही मिल सकती है। शेफाली और नगमा दोनों आरती और तनुजा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तभी तनुजा अपनी अमीर सहेलियों से कहती है, देखो ये मेरी बर्थडे पार्टी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बर्थडे पार्टी में किसी का मूड ऑफ हो। जो भी तुमने अभी कहा है वो सब तो बकवास है ही, लेकिन आइंदा ये सब कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आरती मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसके लिए करूंगी, वो कोई मेरी उतरन नहीं पहन रही। तनुजा अपनी बातों से अपनी अमीर सहेलियों का मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद वो अपनी गरीब सहेली आरती के साथ अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। बर्थडे खत्म होने के बाद आरती तनुजा से कहती है, तनुजा तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, आज अगर तुम मेरे साथ ना हो तो पता नहीं मेरा क्या हो। अरे यार तू चिंता क्यों करती है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, कभी तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। तभी तनुजा की माँ और उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम्हारी बड़ी पार्टी में इनवाइट किया था, ताकि तुम आखिरी बार उनसे अच्छे से मिल सको। चलो बेटी, अब आरती को गुड बाय बोलने का समय आ गया है। आप ये क्या कह रही हो, मैं कुछ नहीं समझ पा रही, मैं आरती को गुड बाय क्यों कहूँ माँ? देखो बेटी, अब राज में तुम्हारी नानी जी रहती है, और वो कई सालों से अकेली रह रही है क्योंकि तुम्हारी यहाँ पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब वो चाहती है कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई वहीं से हो, और उन्होंने तुम्हारी और हमारे सबके टिकट करा दिया है, हम सभी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनते ही तनुजा अपनी सहेली आरती का हाथ पकड़ लेती है और अपनी माँ और पिता से कहती है, नहीं माँ, मैं आरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसके बिना मैं वहाँ अकेली कैसे रहूंगी। आप एक काम करो, आरती को भी मेरे साथ लेकर चलो। आरती चलो तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। तनुजा के मुंह से यह सब सुनने के बाद आरती रोने लगती है और रोते हुए तनुजा से कहती है, मेरे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो मेरा इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, और मैं उनको परेशान नहीं कर सकती। जाओ तनुजा, तुम अब्रॉड चली जाओ, वहां जाकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और तुम जो करना चाहती हो वो भी कर पाओगी। आरती के ये कहने के बाद अनन्या अपनी बेटी तनुजा को वहां से ले जाती है। इस प्रकार दोनों सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ जाती है। अब्रॉड जाने के बाद तनुजा को आरती की बहुत याद आती है, लेकिन वो उसके कांटेक्ट में भी नहीं रह पाती, क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसके पास एक सेल फोन भी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ आरती के माता पिता एक लड़का देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। जो जिंदगी वो शादी से पहले अपने गरीब माता पिता के साथ जी रही थी, वही उसे अब अपने पति के साथ भी जीनी पड़ती है, क्योंकि उसका पति भी बहुत ज्यादा गरीब था। अजी सुनती हो, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर बारिश हो गई तो पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। तुमने सही कहा, उससे पहले मुझे छत पर जाकर इसका इंतजाम कर लेना चाहिए, रुको मैं कोई जुगाड़ बनाता हूँ। अमित ऐसा कहकर अपने दोस्त साहिल के घर जाता है और उससे कहता है, वाह यार, तूने तो बहुत अच्छे से अपने मकान को पक्का कर लिया, चलो अच्छी बात है। वैसे भाई, इससे पहले जब तू कच्चे मकान में रह रहा था तो तेरी छत पर एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी पन्नी थी, जिसके चलते घर के अंदर पानी नहीं आया करता था, मुझे वो पन्नी मिल सकती है क्या? अच्छा वो पन्नी, वो तो मैंने सुबह आज कचरे में फेंक दी, मुझे माफ करना, वो तो अब मेरे पास नहीं है।
साहिल के ये कहने के बाद अमित वहाँ से कचरे के ढेर के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पन्नी को पड़ा हुआ देखता है। वो उसे उठाने जाता है कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वो फौरन उस पन्नी को उठाकर अपने घर की तरफ जाता है, जिसके बाद वो उस पन्नी को अपनी छत पर लगा देता है। चलो कम से कम कहीं से तो पानी आने से बच ही जाएगा। अमित के पन्नी लगाने के बाद घर में कहीं कहीं से पानी टपकना बंद हो जाता है, और जहां से टपक रहा होता है वहां पर आरती घर के बर्तन लगा देती है। ऐसे ही आरती को बरसात में गरीबों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ रही होती है। वहीं कुछ ही दिनों में अचानक से अमित का काम भी छूट जाता है और घर में बहुत ज्यादा तंगी आ जाती है। एक दिन आरती अपनी सहेली तनुजा की यादों में खोई हुई होती है, तभी अमित आता है और खुशी के मारे उससे कहता है, अरे यहाँ उदास बैठी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है आज मुझे तुम्हारी वही अमीर सहेली दिखी थी जिसकी फोटो तुमने अपनी अलमारी में लगा रखी है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और उन्हें खाने के लिए घर पर इनवाइट भी किया है। आज रात को वो हमारे घर पर आने वाली हैं। ये सुनते ही आरती खुशी के मारे पागल हो जाती है, जिसके बाद वो फौरन अपनी सास को गले से लगाती है और कहती है, अरे माँ जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सहेली कितने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अरे बहू खुशी ही मनाती रहेगी या फिर उसकी पसंद का कुछ खाना भी बनाएगी। आरती ये सुनते ही सोच में पड़ जाती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। चिंता मत करो, मैं उधार राशन ले आता हूँ, तुम अपनी सहेली की पसंद का सब कुछ बना देना। अमित बाजार जाता है और अपनी जान पहचान की दुकान से उधार सामान ले आता है, जिसके बाद वो सामान लाकर आरती को दे देता है। लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगता है और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। अरे छत की तो पन्नी भी फट गई, अब हम लोग क्या करें? एक काम करते हैं, दोनों मिलकर पहले थोड़ी छत ठीक कर लेते हैं। आरती और अमित दोनों अपने घर की छत ठीक करने लगते हैं, जिसके बाद आरती घर के अंदर आकर अपनी सहेली के लिए खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और तेज बारिश में एक बड़ी सी कार के अंदर से तनुजा बाहर निकलती है। ओह माय गॉड, क्या मेरी सहेली आरती इतने टूटे फूटे घर में रह रही है? पता नहीं कैसे बेचारी अपना यहाँ गुजारा कर रही होगी। तनुजा जैसे ही अंदर जाती है, घर के कुछ हिस्सों में पानी टपक रहा होता है। तनुजा को देखते ही आरती उसे गले से लगा लेती है और बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक चटाई बिछाती है और उसके ऊपर तनुजा को बैठने के लिए कहती है। ओ माय गॉड, तुम कैसे रह रही हो यहाँ पर? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुम्हारी जिंदगी तो और भी ज्यादा घटिया हो गई है। जहाँ तो पहले तनुजा हर एक बात में आरती को सपोर्ट किया करती थी, अब उसे आरती की जिंदगी नर्क की तरह लगने लगती है और वो उसे बार बार टोन मारने लगती है। लेकिन ये सब आरती नजरअंदाज कर देती है और उसे अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से छत का टपकता हुआ पानी थाली में गिर जाता है, जिसे देखते ही तनुजा उठ खड़ी होती है। बस बस, मैं तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खा सकती, देखो जरा ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल दूंगी। ये सुनकर आरती को दुख होता है और वो अपनी सहेली तनुजा से कहती है, मुझे नहीं पता था तनुजा तुम अब्रॉड जाने के बाद इतना ज्यादा बदल जाओगी। खैर ये मेरा परिवार है, सुख और दुख में हम हमेशा एक साथ रहते हैं और हमने कई सारी परेशानियों का सामना किया है, उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकती। तुम मेरी दोस्त हो लेकिन ये मेरा परिवार है। ये सुनकर तनुजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सहेली और उसके पूरे परिवार से माफी मांगती है, जिसके बाद तनुजा अपनी सहेली आरती और उसके पूरे परिवार को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आती है और उसके घर की अच्छे से मरम्मत करवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आरती के पति को अपनी कंपनी का मैनेजर भी बना देती है। देखते ही देखते आरती की जिंदगी में बहुत से सुधार आ जाते हैं और वो अब खुशी खुशी रहने लगती है। और नरेश ने हाल ही में अपने बेटे प्रवीण की शादी उसकी मर्जी से एक गरीब घर की लड़की किंजल से करवाई थी। अमीर ससुराल वाले बिल्कुल भी गरीब किंजल को पसंद नहीं करते थे, बस अपने बेटे प्रवीण के लिए उन्होंने किंजल से रिश्ता जोड़ लिया था। शादी के दो चार दिन बाद किंजल रसोई में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही थी कि सामने से शीतल आ जाती है। टक्कर लगने के कारण सब्जी उसके ड्रेस पर गिर जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, ओ माय गॉड, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, गंवार कहीं की, पता भी है ये ड्रेस कितने की आई है? सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल दिखा दी मुझे। दीदी गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप सामने से आ रही हैं। बकवास बंद करो अपनी, सब अच्छे से जानती हूँ मैं। दीदी माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मेरे कमरे से आकर ले जाना और अच्छे से साफ करना, अगर कहीं से कुछ फटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह?
नहीं माँ, ये गवार मेरे सामने आ गई और मेरी इतनी अच्छी ड्रेस को बर्बाद कर दिया। अकल वगैरह नहीं है क्या तुझे? मैं तो इसको अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा इसको लेकर आ गया। मैंने इस गवार को अपनी बहू बना लिया, वरना कोई अमीर खानदान की लड़की लाती, लड़की अपने अमीर घर में। अपनी सास के ताने सुनकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे किंजल, तुमने सबको खाना सर्व कर दिया, अब खुद भी बैठ जाओ और हमारे साथ खाओ। अजी, सबके खाने के बाद ही नई बहू खाना खाती है। चलो, गरीब घर की आई बहू को इस बात का तो होश है। यू आर राइट पापा। वक्त गुजरता है। अमीर ससुराल वाले गरीब बहू को अक्सर ताना देते थे। एक प्रवीण ही था जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता था, पर एक शाम ऑफिस से आते वक्त उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। इस बात से सारे घर वाले बहुत रोते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती, वो होश में कब आएंगे? भगवान ही आपके पति को कोमा से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी कोशिश कर ली। अब आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार मैं देख लूं उन्हें। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए। किंजल प्रवीण को देखने जा ही रही होती है कि गुस्से में कविता उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर कर देती है, जहाँ उसकी ननद भी थी। माँ जी, माँ जी, आप क्या कर रही है? मुझे प्रवीण जी को देखने तो दीजिए, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ज्यादा मगरमच्छ के आंसू दिखाकर ड्रामा मत कर, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। मेरे बेटे की जिंदगी में आने के बाद तूने उसकी ये दशा की है, वरना मेरा बेटा आज तक बीमार नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक था। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ जी, नंद जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे एक बार प्रवीण जी को देखने दीजिए। नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ और तू मेरे बेटे से आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। वो तो कोमा में चला गया, अब तू इस घर से, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जा और कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। माँ, ये गरीब गवार भाभी ऐसे नहीं मानेगी। देखो, अगर चाहती हो कि भैया की तबीयत ठीक हो जाए तो उनकी जिंदगी से दूर चली जाओ, आपको उनकी कसम है। हे भगवान, ये आपने क्या कह दिया। ठीक है, मैं चली जाऊंगी अगर आप यही चाहती हैं तो। किंजल रोते हुए सड़क पर भटकने लगती है। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके पास नहीं जाती। दो दिन भूखा रहने के बाद वो एक पेड़ के नीचे मटके से पानी पीती है कि दो कदम चलने के बाद बेहोश हो जाती है। तभी एक बुढ़िया उसको साइड में बिठाकर होश में लाने के लिए पानी छिड़कती है, फिर पानी पिलाती है। वो बूढ़ी अम्मा वैद्य थी, इसलिए उसकी नब्ज पकड़ कर कहती है, अरे बिटिया, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें ऐसी हालत में अपना ख्याल रखना चाहिए, शायद तुमने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ अम्मा जी, मैं दो दिन से भटक रही हूँ, कुछ नहीं खाया है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सोच रही हूँ मर जाऊँ, लेकिन अब मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। अच्छा, तो मैं अकेली रहती हूँ, ऐसा करो तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। नहीं नहीं अम्मा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, अगर मैं आपके पास आऊंगी तो कोई काम ढूंढूंगी, तभी रहूंगी। अरे बेटी, अब तुम गर्भवती हो और तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना है, इसलिए ज्यादा मुश्किल काम मत करना। अच्छा, अब घर चलो, कुछ खिला देती हूँ। जी अम्मा। किंजल उन बूढ़ी अम्मा के साथ घर चली जाती है, जहाँ वो उसे खाना खिला देती है। कुछ देर बाद वो उनके घर की सफाई वगैरह और सामान को ठीक से रख देती है। अगले दिन वो कोई काम ढूंढने जाती है तो एक सब्जी वाले को बहुत सारी प्याज फेंकते हुए देखती है। क्यों ना मैं खराब प्याज में से कुछ प्याज का इस्तेमाल कर प्याज के पराठे बनाकर बेचूं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। भाई साहब, आप ये प्याज फेंक रहे हैं क्या? मैं इन्हें ले सकती हूँ? हाँ हाँ, ले लो, कैसे भी, आधी गली हुई है, मेरे पास तो कोई लेगा नहीं। शुक्रिया भाई साहब। ये बोलकर किंजल उन प्याज को लेकर घर आ जाती है और जब वह इनमें से साफ प्याज निकालती है तो ये देखकर बूढ़ी अम्मा उससे सवाल करती हैं, फिर वो उन्हें सब कुछ बताती है। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा, मगर इन सड़ी हुई प्याज को फेंकना मत, बाहर मिट्टी में बो देती हूँ, इनसे कुछ महीनों बाद भी प्याज निकल जाएगी। ये तरकीब तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। ऐसा बोलकर किंजल प्याज के पराठे बनाकर उन बूढ़ी अम्मा को खिलाती है, जो कि बहुत स्वादिष्ट है। सड़ी हुई प्याजों को वो मिट्टी में बो देती है, फिर वो खराब प्याज में से अच्छी प्याज काटकर उसमें आटा डालकर अजवाइन सौंफ के साथ एक टेबल पर प्याज वाले पराठे बनाकर उन्हें बेचने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज के पराठे खाइए, 10 रुपए का एक पराठा अचार के साथ। अरे वाह दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मुझे देना। ये लीजिए भाई साहब। धीरे धीरे किंजल की मेहनत से उसके प्याज के पराठे की दुकान चलने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर खराब बोई हुई प्याज से अच्छी प्याज उगने लगती है, जिससे वो अपने पराठे में रोज इस्तेमाल करती थी। उसे अपनी गर्भवती के साथ 6 महीने हो जाते हैं।
जहाँ उसके प्याज वाले पराठे की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और लोग दूर दूर से उसके पराठे खाने आते हैं। एक दिन बूढ़ी अम्मा कहती हैं, किंजल बेटी, अब तुम्हारे गर्भ को 6 महीने हो गए हैं, तुम ऐसे कब तक भागा दौड़ी करती रहोगी? अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं कर लूंगी इस काम को। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस मेरे पति ठीक हो जाए, वो कोमा से बाहर आ जाए, थोड़े पैसे जमा हो गए हैं, फिर मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगी मंदिर में पंडित जी से। हाँ बेटा। एक महीने किंजल की दुकान बहुत अच्छी चलती और वो एक दुकान खरीद लेती है जहाँ पर वह बूढ़ी अम्मा भी उसके साथ दुकान में काम करवाती थी। फिर एक दिन भूख लगने पर शीतल कार से उतरकर उस पराठे वाली दुकान पर जाती है। सुनिए, जरा मुझे एक प्लेट पराठे दे दीजिए। अरे शीतल दीदी, आप आइए ना, अंदर बैठ जाइए, और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, तुम इतनी बड़ी दुकान तुम चला रही हो, और ये मेरा मतलब आप गर्भवती हो? हाँ दीदी, बस अपने बच्चे के लिए ही मैंने इतनी मेहनत करी। अब तो भाभी आप बहुत अमीर बन गई हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया कि इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो वो भी गरीब से अमीर बन सकता है। आपको ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए, आप घर चलिए, मैंने आपको जो कसम भैया की दी थी उसे भूल जाइए, मैं वापस लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं चलूंगी, लेकिन अभी ग्राहकों को देखना है, बाद में आती हूँ। आप लीजिए, खा लीजिए। फिर किंजल अपनी भाभी के हाथ का प्याज वाले पराठे खाती है जो कि उसे बहुत पसंद आते हैं, और वो घर वालों के लिए भी लेकर जाती है। फिर अपने मम्मी पापा को समझाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल आती है और सास उससे माफी मांग कर गले लगा लेती है। बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अभी तक प्रवीण को होश नहीं आया, अब तू ही कुछ कर सकती है। माँ जी, कल मैंने बहुत बड़ा महायज्ञ रखवाया है प्रवीण जी के लिए, आप सब वहाँ पर आना, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगले दिन किंजल मंदिर में बहुत बड़ा अपने पति के स्वास्थ्य के लिए महायज्ञ करवाती है, जहाँ उसके ससुराल वाले और बूढ़ी अम्मा थी। इसके बाद वह प्रसाद और गंगा जल लेकर अपने पति के पास हॉस्पिटल में जाती है और उस पर छिड़कती है। कुछ देर बाद ही प्रवीण को होश आ जाता है, जिसके बाद सब बहुत खुश होते हैं। 2 महीने बाद किंजल को भी एक प्यारा सा बेटा होता है। इतना ही नहीं, अब साथ में अमीर नंद अपनी भाभी के साथ प्याज के पराठे वाले रेस्टोरेंट को संभालती है